नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में कल बुधवार को एमसीडी सदन में फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी पार्षद मेयर के वेल के पास नारेबाजी कर रहे थे और इस दौरान हाथापाई तक नौबत आ गई। पार्षद एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंक रहे थे। आपको बता दें कि कल बुधवार को दिल्ली मेयर का चुनाव हो गया है और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट शैली ओबेरॉय को राजधानी दिल्ली का नया मेयर चुना गया है। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने का समय आया। दरअसल ये सारा हंगामा स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर ही हुआ है। वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली की नई मेयर शैली ओबेरॉय ने ट्वीट कर खुद पर हमले का आरोप लगाया है। शैली ओबेरॉय ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी पार्षदों ने वेल में आकर हमला करने की कोशिश की, ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमला किया है। इसके अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर लिखा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हार चुकी बीजेपी अब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। कई घंटे से इन्होंने कमेटी मेंबर का चुनाव रोक रखा है और अब सदन में बीजेपी पार्षदों ने नवनियुक्त मेयर पर हमला किया है। कवि कुमार विश्वास की रामकथा इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रही है और इस 3 दिवसीय रामकथा के दौरान पहले ही दिन कुमार विश्वास ने आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर आरएसएस समेत बीजेपी कार्यकर्ता कुमार विश्वास पर हमलावर हैं। दरअसल उन्होंने किसी बात पर यह कह दिया था कि वामपंथी कूपड़ हैं और आरएसएस अनपढ़, और उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी तो उनकी रामकथा जारी नहीं रहने देंगे और न ही उन्हें उज्जैन में कदम रखने देंगे। वहीं अब खबर है कि इसके कुछ समय बाद ही कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। वीडियो के जरिए कुमार विश्वास ने कहा कि वह एक बच्चे से बात कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ बोला इसका लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। जय जय सियाराम कथा प्रसंग में उन्होंने उनके साथ काम करने वाले एक बच्चे के बारे में टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है। पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। मैंने उससे बस यह कहा कि तुम पढ़ा लिखा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कूपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो, और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने ज्यादा फैला दिया है। कुमार विश्वास ने आगे कहा कि बुधवार को उन्हें ये पता चला कि कुछ लोग रामकथा भंग करने की बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि रामकथा भंग कौन करता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि रामकथा में पहुँचें और जो मैं बोल रहा हूँ वही अर्थ समझें। अगर आप दूसरा अर्थ निकालते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर कोई गलत संदेश गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें। हरियाणा की भिवानी में 2 युवकों को अगवा कर गाड़ी में उन्हें जिंदा जलाकर की गई उनकी मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने इस मामले में जिस मोनू मानेसर को मुख्य आरोपी बनाया था, अब उसके नाम पर पुलिस ने चुप्पी साध ली है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा बुधवार को 8 आरोपियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं है। हालांकि राजस्थान पुलिस द्वारा जारी तस्वीर में मोनू का नाम है, लेकिन ये मोनू मानेसर नहीं है बल्कि भिवानी के पालुवास इलाके का रहने वाला मोनू है। यानी कि मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बवाल हो रहा है। इसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना साध रखा है। उस मोनू मानेसर की बजाय राजस्थान पुलिस ने बुधवार को किसी दूसरे मोनू की फोटो रिलीज की है। भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपियों की फोटो उन सबके खिलाफ सीसीटीवी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलने के बाद की गई है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस मोनू मानेसर को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था, अब उसके नाम पर पुलिस ने अचानक चुप्पी कैसे साध ली। गौरतलब है कि मानेसर ने गुरुग्राम के एक होटल की सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर ये बता दिया था कि घटना वाले दिन यानी 15 फरवरी को वो भरतपुर या भिवानी में नहीं बल्कि गुरुग्राम में था। लेकिन उस वक्त राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को इस डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी बता दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को जुनैद और नासिर हत्याकांड पर हरियाणा के पलवल में महापंचायत की। इस महापंचायत में वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन समेत आसपास के गांवों के हजारों लोग शामिल हुए। सुरेंद्र जैन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मोनू मानेसर के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया तो वीएचपी बड़ा आंदोलन करेगी और अब हिंदू संगठन खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब मेवात इलाके में गायों की हड्डियां मिलती थीं, हिंदू लड़कियां डर के मारे स्कूल नहीं जाती थीं, बरातों को लूट लिया जाता था, 100 गांवों में एक भी हिंदू नहीं बचा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और यह सब सरकार की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के युवाओं की वजह से हुआ है। बता दें कि महापंचायत में आए लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा राजस्थान सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर था।
सुरेंद्र जैन ने कहा कि अगर गौरक्षा करना पाप है, अगर मोनू मानेसर अपराधी है तो फिर पंचायत में आया हर शख्स अपराधी है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जिस तरह हिंदू संगठनों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो महाराणा प्रताप और राणा सांगा की धरती के नहीं हैं। जैन ने कहा कि गहलोत औरंगजेब की तरह शासन चला रहे हैं और मुगल शासन की याद दिला रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता द्वारा दिए गए बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसने अपराध किया है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। पलवल में कल हुई विश्व हिंदू परिषद की पंचायत और वहां से राजस्थान सरकार के खिलाफ ऐलान जंग को लेकर जब गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल बेईमान लोगों का संगठन है और इनके चक्कर में बीजेपी की भी हालत खराब होगी। पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए चीन ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर का कर्ज दिए जाने को मंजूरी दे दी है। ये अमाउंट इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार द्वारा बुधवार को दी गई है। डार ने कहा कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और कोष स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अंतरित किया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल ने 70 करोड़ डॉलर के कर्ज को लेकर मंजूरी दे दी है। यह राशि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस सप्ताह मिल जाने की उम्मीद है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।